हे दोस्तों, आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो आज हम बात करने वाले धर्मेश सर के बारे में, जो कि डांस की दुनिया में सब लोग जानता है धर्मेश सर को। आज जो भी है धर्मेश सर, उसके पीछे सिर्फ उसका मेहनत का हाथ है। आज मेहनत के इसलिए आज धर्मेश सर वहाँ पर है। आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग वही जगह मिलेगा अगर आप मेहनत करते हो तो। आप लोग भी मेहनत करो, आप लोगों को भी कामयाबी कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। मेहनत नहीं करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, सबसे ज़रूरी है मेहनत। धर्मेश सर 2009 में अपना घर छोड़ के आया था डांस रियलिटी शो के ऑडिशन देने के लिए। हालांकि 2009 में धर्मेश सर घर छोड़ के आए थे डांस रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए, पर उन्होंने आके अपने फ्रेंड के घर पर रहा रह के एक एकेडमी खोली उसका खुद का, और वहाँ पर वो डांस सिखाना शुरू किया। और वहाँ से उसका डांस सीखा के उतने स्टूडेंट लेके गया ऑडिशन देने के लिए डांस इंडिया डांस का। 2010 में वहाँ पे धर्मेश सर सिलेक्ट हुए, उसका कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, तो वहाँ से धर्मेश सर का जर्नी स्टार्ट हुआ। और आज जो हम धर्मेश सर देख रहे हैं वो उसके मेहनत ही है जो उसको आज यहाँ पर लाया है। फिर धर्मेश सर वहाँ का DID का 2010 में रनर अप रहे थे, और बूगी मूगी भी एक बार जीता था धर्मेश सर ने। हालाँकि वो सीजन कौन सा है मुझे पता नहीं कौन सा था, तो वही बात है। आप लोग भी यार मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, एक दिन ज़रूर मिलेगा। और हमेशा याद रखना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमेशा जीत होती है। अगर आप खुद हार मान जाओगे तो आपका जीत कभी होगा ही नहीं। मेहनत करो, अपना जीत हासिल करो, मेहनत करो और अपना जीत हासिल करो बस। बहुत लोग ये सोचता है कि डांस करने के लिए पैसों का ज़रूरत होता है, जान पहचान का ज़रूरत होता है, कुछ नहीं होता है। आप मेहनत, हर चीज़ में मेहनत का ज़रूरत होता है। आप मेहनत करो तो सब कुछ आपके पास, मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा आपको। डांस रियलिटी शो का ऑडिशन देने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, और अगर कोई पैसा ले रहा है तो समझ जाओ वो फेक है। हाँ, ऐसे कॉम्पिटिशन में ऑडिशन के लिए पैसा ले सकता है, जैसे कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसके लिए ले सकता है। रियलिटी शो में कभी पैसा नहीं लिया जाता है। अगर कोई ले रहा है, जैसे कि वो डांस प्लस हो चाहे कुछ भी हो रियलिटी शो, तो समझ जाना वो फेक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डांस करना आसान है। आसान है, आप कर सकते तो आसान है, आप मेहनत कर सकते तो आसान है, हर चीज़ आसान है। आप जो कर सकते हो वो आपके लिए आसान है। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि डांस करके क्या होगा, भाई बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ कर सकते हैं डांस से। हम लोग डांस से किसी को हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और पेरेंट्स लोगों के साथ, गार्जियन लोगों को मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करो। जो भी आपके घर में अगर डांस करता है, कुछ भी करे, डांस करे, पढ़ाई में अच्छा है पढ़ाई पे सपोर्ट करो, डांस अच्छा करता है डांस पे सपोर्ट करो, मार्शल आर्ट अच्छा करता है मार्शल आर्ट, कोई भी चीज़ में उसको अच्छा लगता है जो चीज़, उसमें सपोर्ट करो। अगर कोई अभी बोलता सचिन तेंदुलकर, उसको अगर उसका मम्मी पापा बोलता कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तो आज वो सक्सेस होता? आज जो है वो कभी हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए सपोर्ट करो। और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।